हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस निर्मला ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। देखिए आज के ब्लॉग में क्या। तो ये आ गई हूँ मैं किचन में। ये टाइम हो रहा है सुबह सुबह का। तो सुबह सुबह इतनी जल्दी रहती है कि एकदम एक्सप्रेस की तरह रहना पड़ता है। और ये मैं जल्दी जल्दी बना रही थी सब्जी, और मैंने अपने लिए रख दी थी चाय। और मैं देख रही थी धनिया है या नहीं, तो थोड़ा सा हरा धनिया पड़ा था, तो मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ और फिर मैं इसे डाल दूँगी। तो ये मेरा पहले मैंने साफ़ कर दिया था, तो मैं इसको डाल देती हूँ। और यहाँ मेरा जूड़ा खुल गया था, तो ऐसे गीले गीले हाथों से जूड़ा बांधा नहीं जाता, तो मेरे ऐसे ही पड़े बंधे थे बाल। तो ये मैं कर रही हूँ किचन साफ और बर्तन साफ, तो मैं साथ के साथ कर देती हूँ। तो हस्बैंड ड्यूटी जा चुके हैं और बेटा अपनी लाइव कोचिंग कर रहा है, और बिटिया रानी भी अपना पढ़ रही है, और ये मैं बर्तन कर रही हूँ। तो मैं अपना काम पूरा फिनिश कर लेती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे 1 बजे लाइव आना था, और मैं ज़्यादातर अब 1 बजे ही लाइव आया करूँगी। और ये है दूध, दूध मेरा आ गया था, तो इसको भी मैं साथ के साथ गर्म कर देती हूँ। और बहुत मैंने ये थोड़ा सा घी लगाया है किनारों पे, तो किनारों पे घी लगा देते हैं, भगवने के किनारों पे घी लगा देते हैं, देसी घी या कोई जैसे घी लगा दें, और फिर मीडियम कर दें गैस को, तो दूध उफनता नहीं है। तो ये बना रही हूँ मैं बैंगन, तो इनको मैं भर के बनाऊँगी। तो ये मैंने इस तरीके से चीरा लगा दिया है, तो सारे बैंगनों को मैं इसी तरीके से चीरा लगा दूँगी और चेक कर दूँगी कि ख़राब तो नहीं है। तो कोई भी बैंगन ख़राब नहीं था और एकदम अच्छे बैंगन थे, एकदम कच्चे, पर ये 2 दिन के हो गए थे तो पूरे मुरझा गए थे। मैंने भी इनका काम तमाम कर दिया, और देखो हम लेडीज़ों का काम है कि कम से कम चीज़ों में ही काम चला लें। और ये मैंने बैंगन में चीरा लगा दिया है, और यहाँ मैं बात कर रही थी, फोन आ गया था। और मैं छील रही हूँ लहसुन और प्याज, और मैं प्याज को काट लूँगी और लहसुन छील रही हूँ। मुझे लहसुन छीलने में ही दिक्कत होती है, तो मुझे कितना भी खाना बनवा लीजिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये लहसुन और एक रोटी सेकना, ये 2 काम मुझे बहुत दिक्कत के लगते हैं। रोटी बना तो मैं बहुत जल्दी लेती हूँ, पर उसमें ना उलझन लगती है, एक एक करके बनाती हूँ। और पूरी तो ये है कि एक साथ 3 3 4 4 डालो, 5 5 डालो, झट से तैयार पूरी, पर रोज़ पूरी भी नहीं खाई जाती हैं। रोटी से ही पेट भरता है ज़्यादा, और हमारी तरफ तो रोटी सब्जी चावल कम खाते हैं ज़्यादातर, और सबसे ज़्यादा रोटी ही खाई जाती है। तो अब मैं कर लेती हूँ बैंगन बनाने की तैयारी। तो ये मैं ले लिया है नॉन स्टिक वाला तवा, तो मैं इसी में मसाला फ्राई कर लूँगी, कढ़ाई ज़्यादा बड़ी हो जाएगी मेरी, ज़्यादा छोटी, और तो इसको मैं कर लेती हूँ। और ये मैंने डाल दी हरी मिर्च, और ये प्याज लहसुन और अदरक का टुकड़ा था, तो ये मैंने डाल दिया है, तो इसको मैं कर लूँगी फ्राई। और ये मैंने लकड़ी का पलटा ले लिया है, क्योंकि स्टील के पलटे से नहीं चलता है नॉन स्टिक पेन पे। तो ये मैंने हल्दी, धनिया, मिर्च, नमक और ये डाल दिया है, ये थोड़ा सा डाला है मैंने चिली फ्लेक्स। तो चिली फ्लेक्स से यह है कि अच्छा लगता है, मोटी मोटी मिर्चें। और ये डाल दी है मैंने सौंफ, तो सौंफ से बिल्कुल
करेला वाला फ्लेवर आ रहा था और बहुत ही अच्छे बने थे। और ये डाल दिया है मैंने नींबू, थोड़ा सा डाल दे इसमें नींबू, नींबू हो या आमचूर पाउडर हो आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये मैं अब इसे चला रही हूँ स्पैचुला से, और ये मेरा मसाला भून चुका है तो मैं इनको करेले में भर लेती हूँ साथ ही साथ, मतलब आप थोड़ा ठंडा कर लें तो ये मैं भर लेती हूँ। ये मेरे 5 करेले वो थे, 5 बैंगन थे तो मैं इनको भर लेती हूँ। अब देखो ये मेरे भर चुके हैं तो इसमें डाल देते हैं हम सिर्फ तेल थोड़ा सा, और इसे डालने के बाद हम इसमें, तो ये डाल दिया है मैंने तेल और इसमें डाल दूंगी अब मैं बैंगन। तो मुझे बहुत धुआं लग रहा था, मेरी शक्ल भी और तरह की हो रही थी। तो देखो कढ़ाई को भी राहत नहीं मिलती है, सुबह शाम चलती है। और इसमें डाल दिया मैंने ऊपर से थोड़ा सा नमक गलने के लिए, और ये ले आई हूँ मैं घी, सॉरी मक्खन। तो इस मक्खन को निकाल लेती हूँ, ये मैं चम्मच से चला लेती हूँ। ये पहले फ्रीज में रखा था, थोड़ा सा मैंने रूम टेम्परेचर पे किया, फिर ये मैंने डाल दिया है भगोने में। इसको मैं पलट दूँगी और सिर्फ इसे चम्मच की सहायता से ही मैं मक्खन निकाल लेती हूँ। और ये इसमें डालूँगी एकदम चिल्ड पानी, बिल्कुल ठंडा वाला पानी फ्रीज का, तो बहुत ही आसानी से और आराम से घी निकल आता है। और मुझे तो यही घी अच्छा लगता है, मार्केट वाला तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं तो मजबूरी में भी ना खाऊं मार्केट वाला, मुझे पसंद नहीं है मार्केट वाला। एक से एक ब्रांड आ रहे हैं पर नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता, तो इसे तो ना खाओ वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये मेरी देखो मक्खन निकलने वाला है, तो देखो ये मेरा हो गया है, वो कितना अच्छा निकला है चम्मच से ही। और इसको रख देती हूँ मैं गैस पे, और इसमें सिर्फ एक चम्मच डाल दें नमक, बहुत ही अच्छा मक्खन, वह मक्खन बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है और साथ में ही बहुत ही अच्छे तरीके से निकल आता है। यहाँ मैं बैंगन चेक कर रही हूँ, तो बैंगन अभी होने वाला है, तो ये मेरा हो चुका है बैंगन। तो मैं इसे चिमटे की सहायता से निकाल देती हूँ क्योंकि बहुत गर्म था। तो ये मेरे 5 बैंगन बन के तैयार हैं, और इसके साथ दाल भी बनाऊंगी मैं, तो मेरी दाल भी बन चुकी है। और इसको मैं कर देती हूँ गार्निश, धनिया हो गया था ख़त्म, तो मैं ऊपर से ही थोड़ा थोड़ा तेल डाल देती हूँ हल्का हल्का। तो ये मेरे बैंगन बन के तैयार हैं, बहुत ही टेस्टी लगे थे बैंगन। और इसमें मैंने डाल ली हूँ मलाई, और बहुत ही अच्छे लगे थे। और ये देखिए आप भी खा लीजिए फ्रेंड, बनाइए खाइए, बहुत ही अच्छे लगे थे। और ये मेरा घी हो चुका है, तो मैं इसको छान लेती हूँ इसको, और इसमें जो बचेगा उसमें डाल दूँगी पानी। तो इसको रख दें फिर पानी डालकर फ्रीज में, तो सुबह तक ऊपर बहुत अच्छा घी निकल जाता है, कम से कम एक कटोरी घी निकल जाता है। ये लास्ट वाले भगोने में जो बचता है एक कटोरी घी आराम से निकल जाता है। तो फ्रेंड आप देखते रहिए मेरे ब्लॉग, ऐसे सपोर्ट बनाते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।